आम आदमी पार्टी ने आज मध्य नागपुर में जगजीत सिंह महाराष्ट्र कोषाध्यक्ष के मार्गदर्शन में और केंद्रीय नागपुर प्रभारी नीलेश गोयल, विदर्भ के जनसंपर्क मंत्री आकाश सपेलकर, नगर सचिव भूषण धाकुलकर, युवा मोर्चा के अध्यक्ष गिरीश दीतनवारे, मध्य नागपुर के शिवसेना पदाधिकारी लक्ष्मीकांत दांडेकर, इन्होंने आम आदमी पार्टी में प्रवेश किया है। अरुण निनावी के नेतृत्व में पार्टी में प्रवेश लिया गया। आयुष ताकरे, मुकेश निमचे, घनश्याम जी अम्बलीकर, आशीष निमचे, महेंद्र निमचे, तेजस निनेवे, सौरभ वानखेड़े, राजू निमचे, राज निनेवे, अभी बघेल, रोशन पराते और 25 से अधिक अन्य शिवसेना कार्यकर्ता शामिल हुए थे। इन सभी को बधाई दी गई और नागपुर नगर निगम 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी में प्रवेश करने हेतु कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई थी। मी देवेंद्र वानखेड़े, विदर्भ संयोजक आम आदमी पार्टी। अपन सगळ्यांना माहित आहे 2022 च्या सुरुवातीला नागपूर महानगरपालिका निवडणूक होऊ घातली आहे आणि आम आदमी पार्टीने राज्यातील सर्व महानगरपालिकेच्या निवडणुका लढण्याचं निश्चित केलं आहे। या अंतर्गत नागपूरमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या पार्ट्यांचे लोक किंवा सामान्य कार्यकर्ते, सामान्य जनता आणि सामाजिक संस्थेमध्ये काम करणारे अनेक चांगले चांगले लोक आम आदमी पार्टीमध्ये प्रवेश करत आहेत। या अंतर्गत 2 दिवसापूर्वी मध्य नागपूरमध्ये अरुण निनावे शिवसेनेचे पदाधिकारी होते, यांनी आम आदमी पार्टीमध्ये प्रवेश केला। त्यांच्यासोबत त्यांचे अनेक सहकारी जे शिवसैनिक म्हणून अनेक वर्षांपासून काम करत होते, त्यांनीसुद्धा आम आदमी पार्टीमध्ये प्रवेश घेतला। आणि याचा एकच उद्देश आहे की ज्या प्रकारे शिवसेनेने लोकांना वचन दिलं होतं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के काम को देखकर अन्य पार्टियों के पदाधिकारियों ने भी आप में काम करने की तत्परता दिखानी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी आने वाले चुनाव में लोगों को मौका देने के लिए तैयार दिख रही है, क्योंकि पार्टी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर बबलू मोहाड़ीकर, बलेकर, थकाते, पैनीकर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।